DME असम रिक्रूटमेंट 2020 पर फोर ग्रेड के लिए वैकेंसी निकला हुआ है 188 ग्रेड फोर वैकेंसी निकला हुआ है तो इसके हम ऑनलाइन के जरिए से अप्लाई कर सकता है, इसको हम ऑफलाइन के तरीके से नहीं अप्लाई कर पाएगा क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ 8 पास है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल टोटल वैकेंसी 71 है। ग्रेड 4 पर यहाँ 4 वैकेंसी है। अटेंडेंट पर 10 वैकेंसी है। उसके बाद नंबर 4 पर लेबोरेटरी अटेंडेंट 30 वैकेंसी है। पियोन पर 6 वैकेंसी, दफ्तरी पर 4 वैकेंसी, स्क्रेचर बियरर 8 वैकेंसी, स्वीपर पर 15 वैकेंसी। उसके बाद डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट 4 वैकेंसी, कुक पर 4 वैकेंसी, एनिमल अटेंडेंट 2 वैकेंसी, धोबी, वाशरमैन और वाशरवुमन यहाँ पर 12 वैकेंसी, पैकर 12 वैकेंसी, वर्कशॉप वर्कर 6 वैकेंसी। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 8 पास यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट जॉइनिंग पर आपको 12,000 मिलेगा अप टू 52,000 प्लस जीपी 3,900। इसका मतलब है आप जॉइनिंग करते ही 15,900 आपका हो जाएगा। आपका एज लिमिट है 18 से लेकर 38 तक। तो इसका इम्पोर्टेंट डेट से 15 मई से ये शुरू होकर 30 मई तक रहेगा। तो इसको मैं आपको कैसे अप्लाई करता है इसको मैं दिखाऊंगा। इसको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ इस लिंक को फॉलो करके आप इस अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाके इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप पोस्ट टाइप पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ग्रेड फोर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप जिन जिन वैकेंसी को अप्लाई करना चाहता है उसको आप क्लिक कीजिए, उसको टिक कीजिए। आप जिसको भी अप्लाई नहीं करना चाहता है उसको खाली छोड़ कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ अपना नाम डालेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। उसके बाद एड्रेस डालेंगे, आपका मदर फादर का एड्रेस। उसके बाद आप अपना जेंडर डालिए, मेल है तो मेल या फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आप यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आप किस जगह पर बर्थ हुआ था यह आप डालेंगे। उसके बाद अपना पुलिस स्टेशन डालेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जो भी हो आपका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे विथ पिन कोड। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस पर सेम है तो यहाँ पर सेम एस प्रेजेंट एड्रेस पर आप टिक कीजिए। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ ईमेल डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया येस और नो यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इफ यस तो आप बाय बर्थ दे सकते हैं और अदर्स भी आप दे सकता है। तो यहाँ अपना रीजन डालेंगे, आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो। यहाँ पर आप पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट तो यहाँ यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद कैटेगरी आप एससी एसटी जो भी हो आप डालेंगे। उसके बाद अभी यहाँ
आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, आपका फर्स्ट में आपको मांग रहा है डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और लाइसेंस इफ इन रेस्पेक्टिव फील्ड, आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो तो या यहाँ कौन से स्कूल से कौन से इंस्टीट्यूशन से इस सर्टिफिकेट को लिया है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर डालेंगे, उसके बाद अब उस फाइल को यहाँ अटैच कर देगा, मतलब यहाँ अपलोड कर देगा, उसके बाद आप क्लास 8 पास, आप कौन सा स्कूल से क्लास 8 पास हुआ है यहाँ पर आप डालेंगे, उसके बाद आप पासिंग ईयर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पास सर्टिफिकेट यहाँ आप डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ SSLC यहाँ आप कौन से स्कूल से पास हुआ है यहाँ आप डालेंगे, उसके बाद पासिंग ईयर डालेंगे, उसके बाद हायर सेकेंडरी आप कौन से स्कूल से पास किया है उस स्कूल का नाम यहाँ डालेंगे, उसके बाद यहाँ कौन से ईयर में आप पास हुआ है यहाँ आप डालेंगे, उसके बाद आप प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप कोई काम कर रहा है तो यहाँ डालेंगे, नहीं कर रहा है तो कुछ मत डालिए, खाली रहने दीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस, अगर आप पहले कुछ काम करता था तो यहाँ आप उस को यहाँ डालेंगे, नहीं करता था तो आप खाली रहने दीजिए, आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर डालना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको आप यहाँ डालना है, उसके बाद आपका फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पर आप जो भी है डालना है, तो मैं 60,000 डाल देता हूँ, उसके बाद आप BPL कार्ड होल्डर है या नहीं आपको यहाँ डालना है, उसके बाद आप यहाँ पर अगर आप आसाम गवर्नमेंट का टेम्पोरारी कोई काम कर रहा है तो आप यहाँ यस पर डालेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप अगर आप NCC ट्रेन ले चुका है और टेरिटोरियल आर्मी और होम गार्ड और सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग लिया हुआ है और यानी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस पर दीजिए, नहीं है तो यह आप नो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का नौकरी करता है आपके फैमिली पर तो यहाँ पर यस पर कीजिए, आप अगर कोई नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए, अगर आपका फैमिली में कोई जॉब करता है तो आप यहाँ पर जिसने जॉब करता है उसके साथ आपका बंधन मतलब रिलेशनशिप क्या होता है उसको आप याद डालेंगे, उसके बाद जॉब का नेम डालेंगे, उसके बाद महीने में कितना सैलरी आता है उसको डालेंगे, उसके बाद पोस्टिंग डालेंगे कौन सा पोस्ट पर है, उसके बाद ये जो परमानेंट है या टेम्पोरारी आप यहाँ डालेंगे, उसके बाद यहाँ अपना फ़ोटो डालेंगे, उसके बाद आप अपना सिग्नेचर यहाँ डालेंगे, आप फोटो एंड सिग्नेचर का मिनिमम साइज मिनिमम हेट वेट आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पासपोर्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद सेम पासपोर्ट यहाँ आप डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेगा, तो सबसे पहले मैं इस सभी को मैं फिलअप कर लेता हूँ, सब कुछ फिलअप करने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिए, जैसे ही आप सबमिट करेगा उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा, उसके बाद आप यहाँ एप्लीकेशन प्रिंट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट होने के लिए तैयार हो गया है, उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक करके अपना फाइल को सेव कर सकता है, तो यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ, उसके बाद इस नाम को मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद
मैं पीडीएफ फाइल में ये सेव होगा, उसको मैं सेव कर लेता हूं, सेव पर मैं क्लिक कर लेता हूं, ये मेरा फाइल सेव हो गया। तो आप ही आपका ऑनलाइन फॉर्म ऐसा ही फॉर्म फिल अप करवा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।